देखिए इस क्वेश्चन में हमको क्या दिया हुआ था, फाइंड द रिमाइंडर इफ, यहाँ पे क्या है हमारे पास में, एक्स पर 49 प्लस 61 इज डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 1, हमारे पास में ये वाली थी एक्स प्लस 1, ठीक है। और हमको बोला था कि हमको पास में क्या रिमाइंडर आएगा जब मैं इस इक्वेशन को एक्स प्लस 1 से डिवाइड करूंगा, ठीक है। तो देखिए मैं आपको इसके इसको करने से पहले एक रिमाइंडर थ्योरम करके हमारे पास एक थ्योरम है उसको मैं आपको समझा देता हूँ, तो बहुत ही ईजी हो जाएगा ये क्वेश्चन हमको करना रिमाइंडर थ्योरम, ठीक है। देखिए अगर हमारे पास में कोई पॉलिनॉमियल होता है पी ऑफ एक्स, मैंने बोला कोई एक मेरे पास में पॉलिनॉमियल है पी ऑफ एक्स, ठीक है, और हमको बताना है कि इस पॉलिनॉमियल को जब मैंने एक्स माइनस ए से डिवाइड किया, तो मेरे पास में क्या रिमाइंडर आएगा, ठीक है। रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है कि जो पी ऑफ एक्स प्रपोज करो कोई भी पॉलिनॉमियल मेरे पास में, कितनी भी डिग्री का मुझे नहीं पता बट है कुछ ना कुछ पॉलिनॉमियल है मेरे पास में, तो मैंने बोला कि जब ये मैं पॉलिनॉमियल को इससे डिवाइड करूंगा, एक्स माइनस ए से डिवाइड करूंगा, सो माई रिमाइंडर विल बी, मैं यहां से डायरेक्टली बता सकता हूं कि रिमाइंडर विल बी पी ऑफ ए। कैसे बोला मैंने कि यहां से मैंने x इक्वल्स टू a, देखिए x इक्वल टू क्या आएगा, a आएगा, तो मैंने वो जो a है वो डायरेक्टली इधर सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो ये p ऑफ a विल बी माय रिमाइंडर व्हेन दिस पॉलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय दिस इक्वेशन, राइट। ये होता है रिमाइंडर थ्योरम। तो देखिए यहां पे मैं वो डायरेक्टली अप्लाई कर सकता हूं क्या, कैसे, मैं बोलता हूं p ऑफ x मेरा क्या है, x पावर 49 प्लस 61, ये हमारे पास में रिमाइंडर पॉलिनोमियल है। अब हमको बोला है x माइनस x प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 0, इसके अकॉर्डिंग देखिए ये रहा, ठीक है। तो यहाँ से बोल सकते हैं x इक्वल टू माइनस 1, दैट मीन्स a की वैल्यू क्या है, माइनस 1, एग्जैक्टली। देखिए कंपेयर करते चलेंगे, मैंने बोला x प्लस 1 इक्वल टू 0 होगा, तो x इक्वल टू माइनस 1, दैट मीन्स a इक्वल टू माइनस 1, इसके अकॉर्डिंग देखिए ये a यहाँ पे था, यहाँ पे भी a माइनस 1 है, तो a इक्वल टू माइनस 1, तो मैंने बोला रिमाइंडर क्या होता है, p ऑफ a के इक्वल होता है, मतलब p ऑफ माइनस 1। तो मैंने क्या बोला कि मेरे को x की जगह पे क्या डालना पड़ेगा, अभी माइनस 1 डालना पड़ेगा, तो माइनस 1 टू द पावर 49 प्लस 61, ये ठीक है ना, एकदम क्लियर हो रहा है कि मैंने बोला पॉलिनॉमियल जो है उसकी जगह पे क्या करा मैंने, माइनस 1 डाल दिया अंदर, तो मेरा आंसर हो जाएगा माइनस 1 टू द पावर 49, देखिए ऑड पावर है तो उसको मैं माइनस 1 लिख सकता हूँ, प्लस 61, सो द रिमाइंडर विल बी 60। मतलब जब मैं इस इक्वेशन को इस सब डिवाइड करूंगा तो मेरा रिमाइंडर आएगा यहाँ से मेरे पास में 60, फाइनल आंसर क्या होगा 60, ठीक है।